दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकता, दमदमाता हुआ चला आता है। और एक बार जान लेना, हम तेरी तनख्वाह वगैरह नहीं देने वाले, साफ बात। अरे सेठ जी, तनख्वाह कौन गधा मांगने आया है जी? अठन्नी चवन्नी तुम ही रखो सेठ जी। अच्छा, तो फिर क्यों आया है? भगवान ने तो मोटे मोटे दीदे दिए हैं तुम्हें, आंखें फाड़ के देखो तभी तो दिखाई देगा। जे मिठाई लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओ। अबे जा, पत्री साला जहर मिला के लाया होगा। सेठ जी तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा, सजाए मौत या फिर उम्र भर की कैद? तुम तो टैब बोल जाओगे, लेकिन टिल्लू को खामखा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और इस चक्कर में टिल्लू के हाथ से 30 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। अबे साफ साफ बताना क्या है, कौन सी तेरी 40 चोरों की गुफा तलाशनी जिसका खजाना तेरे हाथ में लग गया? सेठ जी दिल थाम के बैठो, कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो डर है कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। अबे बताना क्या हुआ है? सेठ जी टिल्लू टीका मलखान की 30 करोड़ की लॉटरी लग गई है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हाय दिया, क्या हुआ? आपका आवाज नीचे तक आ रहा था, इतने हैम्पर काय हो रहे हैं? वो हाइपर होता पगली। सही पकड़े हैं, क्या हुआ? अब क्या बताएं पगली, जो हमारे क्लाइंट है ना अग्रवाल साहब, इन्होंने हमें 10 लाख रुपए के कच्चे बनियान का आर्डर दिया था, तो हमें लग रहा था कि हमारा त्योहार जो है वो अच्छे जबरदस्त तरीके से बीत जाएगा, लेकिन क्या बताएं पगली, एंड टाइम पर जो है वो पीठ दिखा के चले गए। अब हम जो है वो 3 लाख रुपए एडवांस दे चुके हैं, जो कभी वापिस नहीं आएगा, वो भी हमने मार्केट से उठाया था। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर बेचे कि क्या बेचे कुछ नहीं पता। अरे दिया शांत हो जाइए, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है, क्या करेंगे अब? डैडू को कॉल करेगा। तुमने डैडू मदद करेंगे हमारी? हाँ हाँ जरूर करेंगे, काहे ना ही करेंगे, हम बात करते हैं। हाँ, करो करो। हेलो डैडू, प्रणाम करे हैं। हाँ कैसे बा? हाँ डैडू का है ना कि लड्डू के भैया को ना बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको पैसों का बहुत ही जरूरत है। हाँ कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ आपका बात कराते हैं, रुकिए रुकिए। डैडू डैडू, हेलो डैडू, चरण स्पर्श। नहीं सुनिए डैडू, नहीं हमारी बात सुन, हम ये कहना चाह रहे हैं थैंक यू। हमारे डैडू देखिए कुछ ज्यादा ही मदद कर दी तुम्हारे डैडू ने। बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, हमारे डैडू ऐसे ही हैं। गालियां दी है और का? एक काम करते हैं, ये जो अपने मोहल्ले के लौंडे हैं टिल्लू टीका मलखान, इनकी लॉटरी निकली है, हम इन्हें डिनर पे बुलाते हैं, अपने बच्चे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मदद करेंगे। सुनो ये जो हमारे मोहल्ले के लौंडे ना टिल्लू टीका मलखान, इनकी लॉटरी लगी है, तुम एक काम करो इन्हें डिनर पे बुलाओ, काहे कि अपने अपने बच्चे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगे। ठीक बा? हाँ ठीक बा। और डैडू का गाली दिए? ऊपर वाले से पूछूंगा कि वो लॉटरी वाला क्यों नहीं आया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ए लॉटरी अंकिल, एक इधर सुबह सुबह हिलाते डुलाते घूम रही ली, आज लॉटरी वाला नहीं आएगा, घर जाओ जाके कबर में सो जाओ। अरे कबर में सोएगा तेरा बाप, मुझे तो वो लॉटरी वाले का फोन आया था, उसके पास एक लॉटरी है जो हमारे लिए रखी है। क्या लंबी लंबी छोड़ दे ला। तिवारी जी, आप? जी हमने भी आपको पहचान लिया था, समझे ना, क्योंकि ऐसी बदतमीजी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ये देखने आया था कि आप वो लंबी लंबी छोड़ रहे थे या उसके पीछे भी कुछ रियलिटी है? हम भी यही देखने आए थे कि उस दिन जो आप 10-10 करोड़ की
हाँक रहे थे ना। हाँकता मैं नहीं हूँ, हाँकते आप हैं। सबसे बड़े हाँकू हैं आप। वो तो भला हो इन भाई साहब का, इन्होंने कंबल खींच लिया। कौन है बे? अरे प्रेम, मां साहब, डॉक्टर साहब, अब समझा। पूरा मोहल्ला हवा में नंगा होके नहा रहा है। पूरा का पूरा मोहल्ला लॉटरी लूटने निकला है। अब भैया पैसे की जरूरत तो हर इंसान को होती है ना। जब उन भिखारी लौंडों की किस्मत चमक सकती है तो हमें क्या बुराई है? अबे ओ मास्टर, मैं तो रोज एक लॉटरी खरीदता हूँ लेकिन साली आज तक एक भी नहीं लगी। अरे भाई कोशिश करते रहिए, क्या पता एक दिन आपकी भी किस्मत चमक जाए। ए भाई, जिस जिसको टिकट चाहिए वो लेके जाए। भिखारी कहीं के? नहीं कह रहे यार, हाथ में सिगार, जिस्म पे गोल्डन सूट। अबे कहाँ से लिया लूट, कुछ तो बता। बिना नाले के कच्चे कि लूटो ना है, जापान से मंगवाओ है। सारे की शकल तो देख, फालतू की बकवास कर रहे हो, जैसे मैं पता ही ना है जे किराए की ड्रेस है गई। अबे भुतनी के धीरे बोल, धीरे वरना इंसल्ट हो जाएगी, औकात बाहर निकल के आ जाएगी। तुम आ गए। कैसे हो मेरे बेटे? क्या हुआ मेरे बच्चों? ए मिस्टर कच्चा, वी आर नॉट योर बच्चा। मनमोहन तिवारी, तुम्हारी हैसियत ना है कि तुम हम तीनों को गोद ले सको। नहीं, हम तो बस यही कहने। एक मिनट तिवारी, एक काम की बात कर। हमारे पास फालतू को टाइम नहीं है गो। हमारो एक एक मिनट सोने से भी ज्यादा कीमती है गो। हाँ बस यही बात करने आए थे। तुम्हारी औकात नहीं है मनमोहन तिवारी, हम ठहरे करोड़पति और तुम ठहरे कच्चा पति, इसलिए तमीज से बात करोगे तभी हम सुन पाएंगे। ठीक है तो हम तुम तीनों को साहब कह देते हैं। एग्जैक्टली, साहब साहब बोलो, जा एकदम ठीक रहेगो। अब बोल मन्नू क्या कहना चाहता है। बस यही कहना चाह रहे थे कि अगर तुम तीनों साहब रात्रि भोज पर हमारे यहाँ आमंत्रित हो तो कैसा रहेगा? एक्सक्यूज मी, लेट मी चेक माय शेड्यूल। ओह माय गॉड, सॉरी, नॉट पॉसिबल टुनाइट, बिकॉज जगरगट्टी पैलेस में रात को हमारा डिनर है। हाँ यार, भूल गए थे हम तो। चलिए ठीक है, हमें तो तुम्हारी भाभी माँ ने कहा था इसलिए बुलाने चले आए, नहीं तो ठीक कोई बात नहीं। हाय तिवारी, यहीं पर रुक जाए, यहीं पर। यार भाभी माँ ने बुलाया यार, अब तो जाना ही पड़ेगा यार। माँ की इज्जत भी बात कर। ठीक है तिवारी, भाभी जी को बोल दियो हम तीनों लोग आ रहे हैं। जाइए, हमारे पास बहुत बहुत काम है, आज हमारे यहाँ गोस्ट आने वाले हैं। अरे गोस्ट नहीं, गेस्ट होता है, गेस्ट। सही पकड़े हैं। By the way, कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं आपके पास? उलटू के भैया ना, अतिका मलखान और टिल्लू भैया को बुलाए हैं आज। वो तो गोस्ट ही हैं। अरे भाभी जी, किस लिए बुलाया लड्डू के भैया ने आपके उनको? हाँ लड्डू के भैया ना उनको खाने पर बुलाए हैं, फिर उनका थोड़ा खुशामद करेंगे। वो कहा है उनसे पैसे उधार लेने ना उनको। लूटने का प्लान चल रहा है। कहा बोले? मैंने कहा ओ भाभी जी ने कमाल का आइडिया दिया है, अब मुझे टीका मलखान टिल्लू से उधार लेना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, चलता हूँ। आइडिया इनका डायरेक्टर ही ना ही समझ आता है हमको। भाभी जी वो डायरेक्टर नहीं, वो कैरेक्टर होता है। सही पकड़े हैं। कैसी है यार? एक नंबर यार। आइसक्रीम खा रहे थे, याद आओ यार कि गरीबी के दिन में आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती रहती थी यार। जालिम यार, सही कह रहे हो यार, आइसक्रीम के बिना ना ऐसे तड़प रहे थे जैसे जलबिन मछलियां। मतलब पहले क्या बुझा रहा हो, कहना क्या चाह रही है टीका, तुझे बता। कहने का यार मतलब ये है कि अमीरी में ना आइसक्रीम खावे को मजू कछु और है यार। जालिमो एक बात कहूं यार, अमेरिका चलते हैं, वहां पे समुंदर के किनारे बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। अरे हाँ यार, गोरी गोरी छोरियां भी छेड़ेंगे। गोरी गोरी छोरियां भी छेड़ेंगे? अबे बावले, इतना इजी थोड़ी है वहां जाना। क्यों सारे? वी हैव मनी, पैसा खर्च करेंगे और का। ठीक है लट, अमेरिका में ना डॉलर चलता है, को बकवास कर रहा हूं अनपढ़। सारे वहां को एक डॉलर ना
हमारे 100 रुपए के बराबर हो तो बकवास करो फालतू की। नहीं कह रही है यार ये। हाँ। तो हमें बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा जो इतने महंगे शहर में जाएंगे। हाँ। एक काम करते हैं यार, दुबई चलते हैं यार। दुबई? हाँ। दिमाग खराब है गो सर, दुबई के लोग बड़े खतरनाक कहते हैं यार। हाँ 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 यार ये सही कह रहे हो, वहां नहीं जानो, वहां का जो शेख होता है ना वो हबीबी हबीबी बोल के ना बीवी बना ले तो यार। अबे बावले हर शेख आसिफ शेख थोड़ी होवे जो बीवी बना ले मेरी जान। अच्छा चलो वहां ना जा रहे। हाँ। एक काम करते हैं, नेपाल चलते हैं यार, वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरियाली देख कर ना मन ये सर। तो दिमाग खराब है टिल्लू सारे, पहाड़ी इलाकों है, एवरी टाइम लैंडस्लाइड होते रहते है, मरने को राधो है क्या वहां जाके? तो वेरी इजी, सारे जग में नहीं है कोई दूसरा कानपुर, कानपुर में रहते हैं, यही मस्ती करते हैं, यही एंजॉय करते हैं और यही छोरियों को छेड़ेंगे, क्या कहता है? यार वैसे टिल्लू ना एकदम सही कह रहा है यार, सही आइडिया है यार। नो इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, बहुत ही अच्छी आइडिया, जस्ट गिव मी लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट इट, इससे मेरे ग्रूमिंग क्लासेस को फायदा होगा। यस यस। और वे लोनो क्या हालचाल भाई, कैसे तुम लोग? बढ़िया मजे में? एब्सोल्युटली या ओके बाय बाय। क्या बात है, आज मुंह से बड़ी लालच टपक रही है तुम्हारे। यार मेरी मोहब्बत को लालच का नाम ना दो यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे भाई हो तुम लोग, मेरे दोस्त हो यार, यू क्लोज टू माई हार्ट। सॉरी बड़ी, हम बराबर वालों में दोस्ती करते हैं। ओके सो यू ट्राइंग टू से कि मैं तुम लोग की बराबरी का भी नहीं हूँ? ओ विभूति, किस एंगल से तू हमारी बराबरी का है? किस एंगल से? अरे हम करोड़पति और तू सड़कपति, घुइया की बराबरी का है तू। अब भाभी के दम पे उछलते हो जे, उन्हीं का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए हाँ किराए की जिंदगी जीते हुए अपने घर में खुद किराएदार है को बकवास करो फालतू की। देखिए मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। ओह अब समझ में आयो कि इतनी चमचागिरी तू क्यों कर रहे हो हमारी? चमचागिरी नहीं कर रहा, मेरी जेन्युइन जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे जरूरत है 5 लाख रुपए की, प्लीज हेल्प मी ना यार। ओह माय गॉड, मेरे एक्सपेंसिव शूज पे आइसक्रीम गिर गई दोस्तों। जस्ट चिल टीका, जस्ट चिल, आस पास देख कोई ऐरा गैरा नत्तो खेरा होगा उससे साफ करा ले यार। जालिम भैया इर्द गिर्द देख ले, यहीं कहीं पे मिल जाएगा तुझे। मुझे बैड स्मेल्स तो आ रही है। Hey you! भिखारी, I'm talking to you! हर, मेरे शूज साफ करो, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसे टुकुर टुकुर करके क्या देख रहे अबे? हैं? पहाड़ खोदने को तो ना कहा, जूता साफ करने को कहा, इधक को देख इधक को। ये तो बहुत महंगी गाड़ी होगी, लगभग 50 लाख तक की तो होगी बेटे। कंगले तिवारी टुकुर ना पोतो, कि हमारे पास बहुत सारा पैसो है। तिवारी हम 50 लाख तो क्या बेटा, 1 करोड़ की भी गाड़ी खरीद सकते हैं गए। हम तुम्हारी तरह चिन्नी चोर ना आए, आई समझ में, कि एक स्कूटी खरीदने में भी 100-100 बार सोचो। ई लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। भाभी जी नमस्ते। खुश रहिए खुश रहिए। जालिमो भाभी जी के हाथ के पकौड़े तो खैर कमाल होते हैं यारो। गुरु कल यार फाइव स्टार के पनीर वाले पकोड़े खाए थे यार, एकदम जोरदार कमाल के थे यार। अब बावले पैसे भी तो बहुत कमाल के थे, एक प्लेट 2500 रुपए की पड़ी थी, 2500 रुपए की। एक प्लेट पकोड़े 2500 रुपए का, ये कौन सा होटल है? भाभी जी का आप कुछ कंगलो लेके ना गाओ, वो रामघाट बस अड्डो है ना, वहाँ के पीछे चौधरी होटल है, जबरदस्त पकोड़े मिलते थे, वहाँ का खाना भी बड़ा जोरदार है। नहीं हमको तो LKB कभी कहीं ना ही लेकर जाते हैं। जे LKB लेके भी कैसे जाएगा भाभी जी, इसकी औकात तो चलते फिरते ठेले पर खाने वाली है। इतनी बेइज्जती तो ना करो बेटे। तिवारी बेइज्जती उनकी होती है गई जिनकी कोई इज्जत होती है, पूरे कानपुर में ना थू थू हरितों के नाम पे।
क्योंकि भैया का है आप तो हमरे सामने बहुत शान मारते थे कि हाँ पगली हमरा कानपुर में बहुत इज्जत है, हमरे नाम का तूती बोलता है। हाँ और ये का बोल रहे लड़के कि आपकी दो पैसे का भी इज्जत ना है इस शहर में। देखो पगली ऐसा है, अभी हमें लौंडों से कुछ काम है समझी, इसलिए हम चुप है। मन्नू हाँ बोलो। ये क्या खुसर पुसर चल रही भाभी के कानों में, जो बात कहनी हमसे आंखों में आगे डाल के बोलो बोलो। अरे कंगले तू अभी तक भाभी जी को होटल में खाना खिलावे भी लेने के गए हो? भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करियो, अभी तुम्हारे बेटे यानी के हम जिंदा आ गए, हम आपको चौधरी होटल में डिनर करवाएंगे। था अंकु लेकिन हमको इतने महंगे होटल में ना ही जाना है सच्ची। अरे अरे, अरे बाबूजी कैसी बातें कर रही हो, हम आपके तो बच्चे हैं, हमारे पैसों पर सिर्फ आपके का हक है। अरे बाबूजी आपको पता नहीं है आपके बच्चे करोड़ों में खेलना है, करोड़ों में। तो बेटे अपने पापा को 50 लाख रुपए उधार दे दो। एक गरीब नौकर की तनख्वाह डकारने वाले मनहूस आदमी तो पापा नहीं पापी है, आई समझ में? वैसे तुझे पैसों की जरूरत कैसे आन पड़ी? ओ का है ना हम भूल तो रहे हैं, ओ का है ना कि अब बहुत बहुत मुसीबत आ गया है, पैसों का बहुत जरूरत है, और अगर पैसे ना ही मिले ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे लड्डू के भैया, बैंक कैरेट हो जाएंगे। बैंक क्रक होता पगड़ी। सही पकड़े हैं भाभी जी। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके लिए कछु इंतजाम करते हैं। और भाभी जी हमने आपको नमक खाया है गो, तो आपको तो किसी कीमत पर मना नहीं कर सकते हैं। मलखान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी जी। भाभी जी हमें बस थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, हम अपने सीए से बात कर लें, वो क्या है कि हम बहुत पैसे वाले हो गए ना, तो हिसाब हिसाब समझ रहे ना भाभी। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ स्लिप डिस्क, अगर वो झुकेगा तो कोमा में चला जाएगा, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया मुझको बचा लो, मैं झुकूंगा तो कोमा में घुस जाऊंगा। तो तुमने वो तो नहीं सुना होगा, तुमने वो नहीं सुना होगा, तुमने सिर्फ ये देखा कि कैसे मैंने उसे जूते साफ किए, लेकिन उसके बाद जब मैं वॉशरूम में गया ठीक है, मेरे पीछे पीछे आया, मेरे पैर में गिर के गिड़गिड़ाया, रोया, माफी मांगी, कहने लगा भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे अपने जूते साफ करवाए। उसने मुझसे माफी मांगी, ही सेड सॉरी आई एम रियली सॉरी। आपने वो देखा नहीं होगा क्योंकि आपने गलत चश्मा लगा रखा है, इसलिए आपको हर चीज गलत नजर आएगी। आप इंक्लूडिंग अस? नो, आप लोग गरीब हैं। मैं सिर्फ अमीरों से प्यार करती हूँ। ये तीनों अमीर टीका मलखान एंड ढिल्लो। देखा तिवारी जी पैसे में कितनी ताकत होती है, इस लड़की को तीनों छिछोरे लौंडे हैंडसम लग रहे हैं। सब पैसे का खेला बंधू। ए! कर रहे सारे दबा? अरे इधर देखो सुनो। हाँ। मुझे तुम तीनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब तुम तीनों को ये बात तो पता चल चुकी है कि मुझे तुम तीनों बहुत पसंद हो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों जीजू के पास जाओ और मेरा हाथ मांग लो। अरे रोसा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे जीजा से तुम्हारा हाथ मांगेंगे। अब ना मेरी भूख खुल गई है, कुछ खिलाओ ना मुझे। अब हमारी रूसा को भूख लगी है? हाँ। एक मिनट तिवारी, नहीं 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 तिवारी नहीं। हाँ। नल्ला खाना अच्छा बनाता है। ऐसे कहीं घूर रही हो? तो बात बताइए हमको, आप वो चिल्लू भैया टीका मलखान के घर का है उनका मालिश कर रहे थे? अब काम बताए पगली, देखो इसके पीछे हमारा एक ठो दर्शन शास्त्र है। आपका दर्शन शास्त्र गया गुहिया के खेत में? ये बताइए हमको कि टीएमटी के घर जाके झाड़ू पोछा और मालिश काहे कर रहे थे? हम खाम खा इस पगली को सच बताकर दुखी क्यों करें? कुछ पूछ रहे हैं हम। काहे पगली की इसके पीछे भी हमारी एक तो वजह है। ओ वजह ही तो जानना चाहते हैं ना हम कि काहे कर रहे थे ये सब। वजह ये है पगली की, दरअसल हमारे हृदय में एक तो
अहंकार आ गया था। कैसे अहंकार? यही कि हमारे पास बहुत पैसा है और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, मतलब हम क्या है कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि हमारे पास पैसा है, सिर्फ हमें इंसान है, बाकी सब जानवर हैं, ऐसा कुछ। कमत बली है कि आपको पैसों का बहुत घमंड हो गया था ना। यही तो हम कह रहे हैं ना बगली, कि घमंड की अग्नि ने जो है हमें अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन हमने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो घमंड का सर कलम करने के लिए हमने ये फैसला लिया। कैसा फैसला? अरे यही जिसके बारे में हमारी बहसबाजी चल रही है कि किसी गरीब के घर में जाके वहां पर झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब। हाँ तो कमाल है, यही लगा देते अपने घर में, हमरा भी कछु मदद हो जाता। नहीं पगली, तुम समझ नहीं रही हो। कहा है कि अपने घर में झाड़ू लगाने से वो दोष नहीं मिटता, वो तभी मिटता जब किसी गरीब के घर में जाके झाड़ू लगाई जाए। ऐसा बात है। देखो ना पगली, अब जब से हमने ये गरीब के घर में झाड़ू लगाया तब से हम वाकई बहुत हल्का हल्का सा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है? अरे लेकिन एक बात है का? वो TMT तो आप गरीब रहे ना ही। तो हम आपको एक अच्छा सुझाव देते हैं ना। वो का है, देखिए हमरी भूरी है ना, हाँ वो के घर में जो नौकरानी है वो बेचारी बहुत बहुत गरीब है, उसके 60 बच्चे भी हैं, और वो 10-15 घर में झाड़ू पोछा करती है, जाके उका मदद कर दीजिए, आपको बहुत हल्का फूल होगा। फूल भी फील होता पगली। सही पकड़े हैं, जाइए ना। फिलहाल तो ना चाय वाय पिलाऊंगी। हाँ चाय पिला देते हैं, फिर बर्तन भी मांज दीजिए आज के। बहुत जल्दी में तिवारी जी। तिवारी जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी? कौन सी? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे और कितनी उंगली टेढ़ी करे, तोड़ दे क्या? उन तनबख्त लौंडों से पैसा निकलवाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन एक ढेला भर भी पैसा ना निकलवा पाए हम। तिवारी जी एक बात और है, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो वो लालची लोमड़ा हो जाता है, और उस वक्त उसके मुंह से हड्डी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उस लोमड़ का पाला लकड़बग्गे से पड़ जाए तो जरूर कुछ हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं बहुत जी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अब तक हमें कई बार ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। क्या कहा आपने? मैंने कहा आप अपने आप को लोमड़ा कह रहे हैं और मुझे लकड़बग्गा। नहीं, हम तो तनिक एग्जाम्पल दे रहे थे कि आज तक आपने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है, तो फिर ये लौंडे वाले कैसे आप पे इतने भारी पड़ गए? अपने कमीने दिमाग से कुछ आइडिया सोचिए ना। लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। ये लौंडे जो है ना, ये आवारा लौंडे हैं, ये आवारा लोमड़े हैं, और आप जो हैं, आप घरेलू देसी लोमड़े हैं, समझे ना? और उसके ऊपर से आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। तो क्या सोने से सुहागा हैं? अगर हम देसी लोमड़े हैं तो आप नल्ले लोमड़े हैं, आप खजले लोमड़े हैं, आप पाइल्स वाले लोमड़े हैं, आप पिस वाले लोमड़े हैं, आप लोमड़े। एक सेकंड भैया लोग, ऐसा है कि आप दोनों एक नंबर के सड़े हुए लोमड़े हैं। तिवारी जी, वन फॉर मी। डबल इंपैक्ट, आई लाइक इट। तखना जी, हम दोनों ऑलरेडी बहुत तपे हुए हैं, बहुत टेंशन में, चुपचाप चले जाइए, वरना कल सुबह के अखबार में ये खबर आएगी कि मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण ने सक्सेना जी को कुत्ते की नहीं लोमड़े की मौत मारा है। अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो कल के अखबार में एक खबर और छप सकती है। क्या वो खबर? ये होगी कि अनोखेलाल सक्सेना ने अपनी भाभी माओं के सुहागों को अपने हाथ से उजाड़ा। ये फालतू की बकवास बंद कीजिए और सीधे सीधे बकिए जो बकना चाह रहे हैं। भैया मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे इस बैग में क्या है? क्या है? क्या है? भरोसा नहीं, बॉम्ब भी हो सकता है। क्या है?
अरे इस बैग में 1,00,000 रुपया है। 1,00,000? अच्छा, कमाना चाहते हैं? Of course, हाँ भाई, हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए ऐसा है कि आप दोनों में से जो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोमड़े की आवाज निकालेगा ये 1,00,000 रुपए का इनाम उसका। इतने बेसुरे लोमड़े मैंने आज तक नहीं देखे। अरे यार क्या कर रहे हैं यार, थक जाएंगे सक्सेना जी। हर धी कलच, तूने अपनी शकल देखी है? जैसा बिल्ली है ना, मुंह चाट के भाग गई होगी। सारे अगर वो संडे टू मंडे तेरे साथ रहेगी तो हम का घुंजाओ खेलेंगे, बकवास कर रहा है। ओह हाँ यार, आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। एक काम करते हैं फिर। हाँ। दिन के 12 घंटे होते हैं, 4-4 घंटे तीनों बांट लेते हैं, कैसी गई? अरे 4 घंटे पे तो मूड भी ना बनते है, घुइया का रोमांस करेंगे का? यार टिल्लो ठीक है, एकदम सही कह रहा है, मो को भी लगता है यार, घंटा नहीं यार दिन बांटने चाहिए। बाकी जरा वो कैसे? अब भैया एक बात बता, महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो भैया 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10 दिन पर पर्सन आते हैं। क्या को मतलब रूसा हम तीनों के साथ महीने में 10-10 दिन रहेगी। अबे तो फिर बाकी के 2 क्या करेंगे? अब भैया वही तो कह रहा हूँ कि रूसा हम तीनों के साथ ना 10-10 दिन रहेगी। अबे अकल से पैदल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मान ले रूसा 10 दिन मलखान के साथ रहती है, तो उन दिनों में टिल्लू और टीका क्या करेंगे? और करेंगे ओ सारे अनपढ़ गंवारो, ये आइडिया किसको तो कि रूसा हम तीनों के साथ 10-10 दिन रहेगी? मेरो थो ना, तो रूसा के साथ 10 दिन रहने को चांस सबसे पहले मेरो बनतो है। अरे ओ इलिटरेट सेल्फिश मुचल। अरे बकवास कर रहे हो, अकेले लॉटरी तेरी ना लगी, हम दोनों की भी लगी है, समझ गए? हम दोनों तेरे से कम ना खाते हैं। ओ, ओ सारे कद्दू सी शकल वाले, सारे मैं भी तोता कम ना खाता हूँ, मैं भी करोड़पति आ गया, करोड़पति। और मैं तो यहाँ पर घास छिलने आया हूँ, घास छिल लिया, टिल्लू यहाँ पर बैठा हुआ। अबे भुतनी के, मैं भी तो करोड़पति हूँ, और वैसे देखा जाए सबसे हैंडसम भी तीनों में टिल्लू ही लगे। हैंडसम दिखा, दो टुकड़ी दिखा भैया, देख शकल देख ले, सारा हैंडसम लगता है, एकदम सियार लगता है शकल से। ओह मैं सियार लगता हूँ, चल मान ले मैं सियार लगता हूँ, लेकिन मेरी जान तूने कभी अपना चेहरा देखा है आईने में? तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे बंदर ने अपने मुंह पे मूछें चिपका रखी हो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।